मुंबई के विले पार्ले शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुशांत राजपूत जिनका अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे मुंबई में ही किया जाएगा। ये हम आपको कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं सुशांत राजपूत की। DCE की तस्वीर है पिछले साल की, और उसके अलावा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड इस वक्त सदमे में है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और उनका पार्थिव शरीर कपूर अस्पताल में रखा गया है। इस बीच सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती कपूर अस्पताल पहुंची। तो इस वक्त हमारे साथ संकेत पाठक जुड़ गए हैं। संकेत, ये कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी पुलिस, कब तक होगी वो पूछताछ? आज देखिए, अभी पहली प्राथमिकता मुंबई पुलिस की जो है वो अंतिम संस्कार को निपटाना है, क्योंकि आपसे कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है करीब 3:30 बजे ऊपर अस्पताल, जहां पर सुशांत सिंह का जो शव है वो रखा हुआ है, जो उनके दोस्त हैं वो इस वक्त जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से उन्हें कुछ ही दूरी पर मौजूद है विले पार्ले शमशान भूमि, वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती कुछ समय पहले ऊपर अस्पताल भी आई थी, जहां वो सुशांत सिंह के शव को देखने के लिए गई थी, उनकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस हो सकता है कि कल उनसे पूछताछ कर सकती है, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है कि उन्हें कब बुलाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे पुलिस अपनी जाँच आगे बढ़ा रही है और अब जानने की यही कोशिश की जा रही है कि आखिर सुशांत ने आत्महत्या क्यों की थी। लेकिन तमाम वो लोग जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सुशांत के दोस्त हों, उनके घर काम करने वाले लोग हों, सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और धीरे धीरे पुलिस अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाएगा, तब बाकी अन्य लोगों से पूछताछ होगी। फिलहाल 4 बजे सुशांत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके जो परिजन है वो मुंबई पहुंच चुके हैं, पंडित उनके साथ मौजूद है और तमाम जो कुछ करीबी लोग हैं वो भी उनके साथ मौजूद है, और बताया जा रहा है कि 4 बजे विले पार्ले शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, इस वक्त मैं देख पा रही हूँ थोड़ा मौसम खराब है वहाँ पर संकेत, और परिवार को भी पहुँचना था, तो किसी तरह का कोई डिले उनके वहाँ पर पहुँचने में? देखिए, परिवार करीब 2:45 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँच गया था, उनके पिताजी मौजूद थे, उनके साथ आए 3 अन्य लोग भी थे जो कि परिवार के सदस्य थे, वो उसके बाद सीधे वो सुशांत के बांद्रा स्थित घर पर पहुंचे थे। आपको बताऊं कि सुशांत के कुछ करीबी दोस्त संदीप सिंह जो कि डायरेक्टर हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा उनके एक और पारिवारिक सदस्य यहां पर मौजूद हैं। अब ऊपर अस्पताल में जो कागजी कार्रवाई है जो कि बॉडी हैंडओवर करने के पहले की जाती है वो इस वक्त की जा रही है, और बताया जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में उनके शव को यहां से निकाला जाएगा और महज 10 से 15 मिनट की दूरी पर शमशान भूमि है, वहां पर ले जाया जाएगा। जो परिवार के करीबी सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय कोरोना का प्रकोप मुंबई में छाया हुआ है, ऐसे में बहुत ज्यादा लोगों को मुंबई पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, करीब 15 से 20 लोग या हो सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 25 लोग वहां पर मौजूद हों, उनमें उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जो उनके करीबी दोस्त हैं वो मौजूद रहेंगे, और हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री से भी 1 या 2 उनके दोस्त वहां पर मौजूद रहें जो कि इस वक्त भी लगातार उनके साथ हैं। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास सुशांत का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जी, उनके परिवार से कौन कौन आ रहा है संकेत? देखिए, मुंबई में उनके परिवार के करीब 4 सदस्य यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके पिता हैं, उनके कजिन भी साथ में हैं, इसके अलावा उनके पिता के चचेरे भाई भी साथ में मौजूद हैं, इसके अलावा महिलाएं भी हैं जो कि उनके परिवार से यहाँ पर पहुंची है। हालांकि जो उनकी बड़ी बहन है वो इस वक्त अमेरिका में है और उनको फ्लाइट फिलहाल नहीं मिल पाई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने नहीं चल रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, फिलहाल उनके घर पर वो मौजूद हैं, जहाँ पर फॉरेंसिक की भी एक टीम पहुंची है जो लगातार जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि कई तरह के ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं कि सुशांत ने आखिर आत्महत्या क्यों की, डिप्रेशन की वजह सामने आ रही है, इसके अलावा उनके कुछ निजी संबंधों को लेकर भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है।